Garuda Express, an international courier service. Are you playing? सत्यकाल मैं हूँ आपका हैशटैग फ्रेंड सलीम मर्चेंट और लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमा के ट्रेंड सेटिंग गाने और उनसे जुड़ी म्यूजिकल कहानियाँ मेरे इस अनोखे शो हैशटैग सलीम सिर्फ और सिर्फ 92.7 हिंदी फिल्मों ने हमें हर मौके हर मूड हर फिल्म हर ओकेजन के गाने दिए ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक बर्थडे पार्टी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक लाइफ से लेकर वाइफ तक हर चीज पर गाने बने और ये गाने हम हर वक्त गुनगुनाते रहे क्यों बने ये गाने इतने यादगार और इतने ट्रेंड सेटिंग यही बताऊंगा मैं आपको अपने शो में जिसका नाम है हैशटैग सलीम तो आइए शुरू करते हैं आज का सेलिब्रेशन पहले शो का एक छोटा सा ट्रेलर आपको सुनाता हूँ कैसे पंचम दा को था एक दिन आइसक्रीम खाना और इसी आइसक्रीम से बन गया एक हिट गाना क्या आपने पहचाना मैं बताता हूं ये कहानी सुनिए फिल्म जवानी दीवानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश बहल और आरडी बर्मन जी बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों अक्सर फुर्सत में तफरी पर निकल जाते थे पंचम दा जितने गाने के शौकीन थे उतने ही खाने के एक दिन रात को पंचम दा का मन हुआ कि आइसक्रीम खाई जाए तो रमेश भैया के घर गए और उनसे कहा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं दोनों निकल पड़े गाड़ी लेकर थोड़ी दूर गए तो ट्रैफिक मिल गई अब ट्रैफिक में कभी गाड़ी रुकती तो कभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी और आरडी बर्मन सिंह ट्रैफिक और आइसक्रीम का इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग पर उंगलियां चलते हुए गुनगुनाने लगे नहीं अभी करो इंतजार ये लाइन सुनकर रमेश बहल ने कहा कि पंचम ये तो गाना बन सकता है पंचम ने फिर लाइन फिर एक बार दोहराई और उसमें जोड़ दिया नहीं अभी नहीं मैं हूं बेकरार फिर क्या था आरडी को मिल गया एक खूबसूरत मुखड़ा उन्होंने पूरे गाने की धुन गाड़ी में ही क्रिएट कर ली लोग कहते हैं कि क्रिएटिव आदमी जब कुछ क्रिएशन करता है तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है मगर कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भूख प्यास से भी गाना बना लेते हैं जैसे पंचम दा चलिए तो आइए सुनते हैं ये गाना ये नया नवेला शो जो सलीम मर्चेंट हमारे लिए लेकर आए हैं मैं चाहता हूं कि एक बार जरा जम के तालियां हो जाए बिल्कुल लाइव आपने उस शो का मजा यहां पर लिया है एंड कमाल मतलब कमाल किया आपने जिस तरह से कहानी बताई ऐसा लग रहा था कि वाकई में पंचम दा और बहल साहब डिस्कस कर रहे हैं फिर वो स्टेरिंग व्हील यही रेडियो की खासियत भी होती है कि वो नजारे सब आंखों के सामने आ जाते हैं तो जिन्होंने अब तक अपने कमाल के गानों पर हमें नचाया है झुमाया है धिरकाया है अब वो अपने बातों से किस्सों से और अपनी आवाज से हमें मंत्रमुग्ध करने वाले हैं सलीम साहब 92.7 बिग एफएम पर लेकर आए हैं ये नया शो जिसका नाम है #सलीम और मुंबई में आप ये शो रात 8 बजे सुन पाएंगे दिल्ली में ये शो आपके लिए सुबह 10 बजे और रेस्ट ऑफ इंडिया में पूरे भारत वर्ष में शाम 6 बजे ये शो आप सुन पाएंगे और न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुबई में भी ये शो सुना जाने वाला है तो एक बार जरा जम के तालियां हो जाए सलीम साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू कैसा है ये रेडियो का एक्सपीरियंस आपका मैं जानना चाहूंगा ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है और मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी हो रही है मुझे पहली बात तो म्यूज़िक का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ और म्यूज़िक मेरे लिए इबादत है और ये शो के ज़रिए मुझे बहुत
इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज भी प्राप्त हो रही है कैसे ये हिट गाने बने और कैसे कुछ कुछ हिट गानों के पीछे कुछ कमाल की जो कहानियां हैं किससे उसको जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ. कुछ कुछ स्टोरीज तो ऐसी है कि जो कुछ गाने मेरे इतने दिल के करीब है, ना केवल मेरे, पूरी दुनिया के. हम सब हिंदी फिल्म के गानों के दीवाने हैं, खासकर जो गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक रहा है. बिल्कुल, जो कमाल के हमारे कंपोजर्स रहे हैं, आर डी बर्मन जी और लक्ष्मीकांत प्यार, लाल शंकर जय किशन, कल्याण जी, आनंद जी, मदन मोहन साहब, जयदेव जी, और इतने अमेजिंग गाने बनाए हैं. और क्या स्टोरीज रही है इस गानों के पीछे, कैसे रिकॉर्डिंग्स हुई है, कुछ कुछ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है. Absolutely. कैसे अरेंजमेंट्स कूल उस जमाने में जहाँ पर रिकॉर्डिंग डबिंग की फैसिलिटी नहीं थी, वैसे कैसे कभी कभार सिंगर्स आवाज खराब होने के बावजूद रिहर्सल करते करते गाना डब हुआ. और कुछ कुछ चीजें जैसे किशोर कुमार जी का पागलपन, कुछ अतरंगी कहानियां जी, वो कैसे वो आज भी रिकॉर्डिंग में वो मौजूद है. कुछ कुछ अतरंगी कहानियां, कुछ किस्से हैं जी. तो ये सब चीजें मुझे जानकर और ये दुनिया को बताकर इतनी खुशी हो रही है दैट मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना मजा आ रहा है ये करके. और इसके अलावा ऑफकोर्स कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि मेरे पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जैसे विजुषा साहब हैं जो कल्याण जी भाई के बेटे हैं और उन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है, जैसे फिल्म कुर्बानी में, जैसे फिल्म डॉन में उन्होंने एक गान, जो 7 साल के थे वो जी, और 7 years सॉरी वो 7वीं क्लास में थे, 7th क्लास में थे जब उन्होंने डॉन का वो कीबोर्ड का वो सोलो बजाया था, ये मेरा दिल प्यार करवाना है. तो ऐसे कुछ किस्से हैं जिसमें जो मैं म्यूजिशियंस और कंपोजर्स के साथ रूबरू हो सकता हूँ, उनके साथ में उनको शो पर ले आ सकता हूँ और उनसे हम सुन सकते हैं कि असली में क्या वो स्टोरी थी, कैसे वो गाने रिकॉर्ड हुए. बहुत सारे ऐसे अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं जैसे फ्रैंको आज है जो आर डी बर्मन के ड्रमर रह चुके हैं, विजुषा जी है जी, और ऐसे बहुत सारे रमेश अय्यर साहब है गिटार बजाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस जो आज भी हैं हमारे साथ और इंडस्ट्री में बजाते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री, कुछ कुछ म्यूजिक, कुछ कुछ रिटायर हो गए, कुछ कुछ नहीं बजा रहे इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री में, लेकिन वो उनकी यादें, उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं. तो मैं उनको इन्वाइट करूँगा. कुछ कुछ बहुत अमेजिंग सिंगर्स हैं हमारे साथ, जैसे कि उषा उत्तुप जी हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है, बहुत अमेजिंग आइकॉनिक सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए उन्होंने पंचकला और बहुत सारे कंपोजर्स के साथ. तो उनको हम बुलाएंगे हमारे शो में और उनके साथ बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या असल में हुआ था इस रिकॉर्डिंग्स के वक्त और कैसे ये आइकॉनिक ट्रेंड सेटिंग गाने बने. क्या बात है, वंडरफुल. और जब इन गानों से जुड़े हुए किस्से हम सुनते हैं तो दोबारा जब गानों को सुना जाता है तो वो सारे विजुअल्स भी आंखों के सामने आ जाते हैं. एंड रेडियो यही कमाल करता है, सलीम साहब वही कमाल करने वाले हैं #सलीम के साथ. बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इस शो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है. मैं चाहता हूँ कि हम आपका वेलकम करें, फॉर्मल वेलकम करें. हमारे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड हैं अतुल राजदान साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बढ़िया सा बुके देकर और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ सलीम साहब का हम वेलकम करते हैं बिगेटन के परिवार में. सो मच, थैंक यू, दिस इज अ बिग बिग ऑनर एंड प्लेजर, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, कोई एक ऐसा गाना, मतलब ऑफ कोर्स अब आप एज अ आरजे शो कर रहे हैं तो रेडियो पर वो गाना, उसकी जुड़ी हुई कोई याद, जब जब अगर आपको सुनाई दे तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है आज भी, अरे क्या गाना यार, यही तो वो गाना है. तो उस दौर की अगर बात करें तो ऐसा कोई गाना जो आप बताना चाहेंगे? वेल, एक गाना जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत फनी भी लगा जी, वो है जय जय शिवशंकर. ओके. और वो गाना जब मुझे पता लगा कि क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग पर, मैं छोटे से एक स्टोरी बताता हूँ. जी, बिल्कुल बिल्कुल. ओपी नैयर साहब का गाना था और नैयर साहब बहुत मेहनत करके गाना बनाए थे, और सॉरी आर डी बर्मन साहब का गाना था, मैं कंफ्यूज हो गया दूसरी स्टोरी से. आर डी बर्मन साहब का गाना था और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके गाना बनाया, लेकिन जो इसके गाने के प्रोड्यूसर थे जे ओम प्रकाश जी, उनको ये गाना इतना पसंद नहीं आ रहा. रिकॉर्डिंग चल रही थी और पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के दरमियान उनको मजा नहीं आ रहा था, पैसे खर्च हो रहे थे. पैसे खर्च भी उस जमाने में 50,000 रुपये खर्च हो गए थे इस गाने के, बहुत ज़्यादा.
तो 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते जियो प्रकाश जी के लिए, बहुत ज्यादा थे। तो बार बार पंचम को ताने मार रहे थे कि 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए, गाने में मजा नहीं आ रहा है, गाने में कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो देखिए उस जमाने में रिकॉर्डिंग्स में एक्टर्स भी शामिल होते हैं, तो जाहिर है राजेश खन्ना साहब भी थे और किशोरदा गाना गा रहे थे ऑफकोर्स। तो राजेश खन्ना जी जब राजेश खन्ना जी ने जब ये सुना तो उनको बुरा लगा कि जी ओम प्रकाश जी कह रहे कि यार ये 50,000 खर्चा हो गया, 50,000, उनको बुरा लगा। उन्होंने आर डी बर्मन का चेहरा देखा, आर डी बर्मन का चेहरा उतरा हुआ था, तो उन्होंने किशोरदा के कान में जाके उनसे कुछ कहा। किशोरदा हंसने लगे, हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे, और फिर पंचम दा को कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग शुरू। अब रिकॉर्डिंग के वक्त जो हुआ वाकई वो इतना मजेदार किस्सा है। आखिर में गाने चले, मुखड़ा हुआ, म्यूजिक आए, अंतरे चले, अंतरे के बाद आखिर में जब गाना कोड़ा, जब उसका क्लाइमैक्स होता है, तब किशोर दा अचानक चिल्लाने लगे माइक पे, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्च हो गए हैं, कैसे बजा रहे हो आप, जरा मजे से बजाओ। इस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग में कह दिया, और वो दोस्तों रिकॉर्डिंग में आज भी है। सिर्फ 50,000 वाला पार्ट काट दिया, नहीं 50,000 भी है उसमें, 50,000 भी है। अगर आप जय जय शिव शंकर गाना सुनेंगे आखिर का, उसमें किशोर दा 50,000 खर्च हो गए, ईमानदारी से बजाओ, इस तरह से उन्होंने कहा है, तो आज भी वो उनकी आवाज रिकॉर्डिंग में पहुंचेगी। क्या तो ये सब फनी जो चीजें हैं, और देखिए बहुत सभी को लग रहा था कि ये गाना कभी हिट होगा नहीं, लेकिन ये सुपर डुपर हिट हो गया है, वंडरफुल। और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी चीजें हैं, जैसे कि जय जय शिव शंकर जो गाना है वो ऑब्वियसली शंकर भगवान की जय जय का है, और कैसे पंचम गाने ये गाने में वॉइस के अलावा अगर आप गौर से सुनेंगे तो डमरू का साउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है उस गाने में। तो डमरू ऑफकोर्स शिव जी का इंस्ट्रूमेंट था, तो कैसे पंचम दा ने कुछ कुछ चीजें इतनी ध्यान से और इतने सोच से इस गाने को, हालांकि गाने में बहुत कुछ और तामझाम है, लेकिन डमरू का साउंड बड़ा प्रोमिनेंट है, एब्सोल्युटली। तो ये थी, ये अगर आप एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक लवर सोचेंगे तो गौर करेंगे कि कितना, कितनी सोच और कितनी मेहनत और कितने प्यार से उस जमाने में म्यूजिक बनता है। एब्सोल्युटली, इसीलिए हम कहते हैं कि गाने जो हिट थे हिट रहेंगे, और ये डेफिनेटली हिट रहेंगे। अतुल साहब, आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्कार। बिग एफएम का हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि हमने यूनिक कंटेंट डेवलप किया है, एंड उसके साथ एक सेलिब्रिटी क्वेश्चन को अटैच किया है। अनु कपूर जी का शो है हमारे पास, सुहाना सफर सबसे बड़ा शो है हमारे लिए, अदु मलिक जी का शो है हमारे पास। तो इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया स्टेप लिया है, एक यूनिक ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक के बारे में, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव सलीम ऑन बोर्ड विद बिग एफएम। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लिसनर्स को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दिया जाए, वो जो ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग्स हैं उसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, कैसे म्यूजिक चेंज हुआ ओवर द ईयर्स, कैसे साउंड्स चेंज हुए ओवर द ईयर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी इन्होंने डमरू के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आइकॉनिक हो गए इन गानों की वजह से। सो उन सब चीज़ों के बारे में सलीम जी हमें बताएंगे। सो आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन बोर्ड विद बिग एफएम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लवली, तो चलिए सेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं और हैशटैग सलीम इस शो के लॉन्च को सेलिब्रेट करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से केक के साथ। सो कैन वी हैव द केक प्लीज। मानता हूं कि टीवी, रेडियो, सिनेमा, ये अलग अलग माध्यम कम्युनिकेशन, लेकिन एज एन आर्टिस्ट एक मैं अपने आप को ज़्यादा कुछ अलग नहीं समझता कि मैं रेडियो में अलग हूँ, टेलीविज़न में अलग हूँ, और सिनेमा में अलग हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में अलग हूँ। मैं अपने आप को एक ही एक्सटेंशन, मैं अपने आप को एक ही, मेरी हैसियत एक, मेरी पर्सनैलिटी एक ही है। मैं अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन करता हूँ रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, और जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे मेरी सोच है, उसको मैं ऑडियंस को देता हूँ अपनी तरह से। और इसमें ऑफकोर्स रेडियो एक अलग माध्यम, पर ये माध्यम मुझे हमेशा एक्सपेरिमेंट करके मुझे कहीं ना कहीं
बहुत पसंद आता था। जब भी मैं कभी रेडियो इंटरव्यूज में जाता था तो मुझे बहुत दिलचस्पी होती थी कि कैसे लोग मेरी आवाज़ सुन के इंसान की एक कल्पना कर रहे हैं, इंसान की सोच की कल्पना कर रहे हैं, तो वो मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता था। सो आई थॉट इट बी नाइस फॉर मी टू गेट इट। Actually talking about the radio, yesterday the Tubelight song has launched radio. मैंने सुना नहीं है Tubelight song. मेरी Tubelight अभी भी बंद है पर खुल जाएगी जल्दी। मैं कौन होता हूँ ट्रेड के बारे में बात करने का? लक्ष्मी और सरस्वती के दोनों के अलग रास्ते हैं। आप मुझे लक्ष्मी का अगर पूछेंगे तो मैं आपको सरस्वती के बारे में बताऊँगा। आई डोंट नो मच अबाउट ट्रेड या कोई 15,000 करोड़ कर रही है, 1500 करोड़ कर रही है या कोई 2,000 करोड़ कर ले, अच्छी बात है, आई फील इट्स ग्रेट। ये ज़रूर आप कह सकते हो कि शायद फिल्में साउथ में ज़्यादा बेहतर बनती हैं, बट ये आपका नज़रिया है। मैं इतनी फिल्में साउथ की देखता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैंने हाल ही में जब दंगल देखी, हाल ही में जब मैंने गुलजार साहब की जो बेटी है तलवार देखी और दूसरी एक तो पिंक देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बनती। ज़ाहिर है कि हमारी इंडस्ट्री में भी फिल्में अच्छी बनती है। बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड लव से मुझे नफरत है, हिंदी सिनेमा में भी अच्छी फिल्में बनती है, शायद इतनी नहीं जितनी साउथ में बनती है, बट इस ये आप कह नहीं सकते हो कि हिंदी सिनेमा में अच्छी फिल्में नहीं बनती। दंगल कमाल की फिल्म थी, तलवार कमाल की फिल्म थी, पिंक बहुत अच्छी फिल्म थी और मैं समझता हूँ आने वाले साल में बहुत अच्छी फिल्में बनने वाली हैं। अरे गाने से कहा अभी यार आरजे बनाओ, क्यों मेरी यार पेट पे लात मार, थोड़ा बातचीत भी करने दो ना मुझे प्लीज यार, ये थोड़ा भी गाना वाना फिर अलग माहौल हो जाए, बातचीत कर ले थोड़ा लोगों से, आखिर में करने के काम। आप दुआ करो तो हो जाऊँगा। मैंने एक वैसी छोटी सी फिल्में की है, छोटी फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म, इट वॉज कॉल्ड यशराज ने वो जब छोटी शॉर्ट फिल्म लॉन्च की थी, इट वॉज कॉल्ड लव शॉर्ट्स। आई डन अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड फायर्ड विद अ ब्यूटिफुल एक्टर कॉल्ड तिलोत्तमा शो। तो सब जगह हाथ पैर मार रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कर लगे। You're asking a lot of questions, but I'll answer since sir, recently live concert की बात करें, recently तो Justin Bieber का live concert हुआ है, ये आ रहा है, तो उसमें जो उन्होंने lip-syncing की है वो सही लगता है आपको? उनके फैंस जो उनको इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतना वेट कर रहे थे, आके उन्होंने लाइक अपने सॉन्ग गाने को lip-syncing करके चले, ये सही लगता है आपको? देखिए मैं एक्चुअली किसी और के म्यूज़िक के बारे में मुझे बोलने का कोई हक नहीं। बहुत सारे लोग आके बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं ये नहीं करूँगी, मैं कोई लाइव कॉन्सर्ट में जाके लिपसिंग नहीं करूं। लेकिन जस्टिन बीबर ने अगर किया है तो लोगों ने पैसे दिए उसको देखने के लिए, सो व्हाट कैन आई से। पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये पूरे कॉन्सर्ट में मैं भी शामिल था और मैं था एज एन ऑडियंस, और पूरे कॉन्सर्ट में उसने लिपसिंग नहीं किया, कुछ कुछ गाने उसने लाइव गाए बेशक। और जस्टिन बीबर का म्यूज़िक ऐसा है कि उसने जो एल्बम जो बनाई है, उसकी लास्ट एल्बम पर्पस, वो ऐसी एल्बम है कि कुछ कुछ चीज़ें लाइव करना नामुमकिन है। शायद अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कह सकूँगा कि हाँ, उसको शायद कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहिए था कौन सा, और पर ये उसका प्रेरोगेटिव है, ये उसका डिसीजन। लोगों ने 50,000-75,000 तक पैसे देकर उसको देखे और उसके बहुत चाहने वाले हैं दुनिया में, और मैं भी उसका फ़ैन, मुझे भी उसका म्यूज़िक पसंद आता है, इसलिए मैं कॉन्सर्ट में था, मैं भी डी वाई पाटिल स्टेडियम में गया था।
मुझे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी। थैंक यू सर। यस प्लीज टेल मी I am not interested in biopic, I am not interested in romance, I am not interested in comedy. I am interested in good cinema that has a message. For instance, and that changes our society for the better. I love films like Chak De India, जिसमें patriotism है, जिसमें sports और women's hockey को और विमेंस टीम स्पिरिट को एक बढ़ावा दिया जाता है। आई लव दंगल बिकॉज उसमें किस तरह से दो लड़कियां जो एक गांव से बिलोंग करती है, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद वो जाके गोल्ड मेडल जीतती है हमारे देश के लिए। तो ऐसी फिल्में जो है जो इंस्पिरेशनल, जिसमें इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल क्वालिटी हो, वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव। कॉमेडी फिल्म्स अच्छी होती है, एक तरीके से एंटरटेनिंग होती है, पर जैसे हम फास्ट फूड जैसे बर्गर खाते हैं और फिर डकार मार के भूल जाते हैं, वैसे तरह की। आई लाइक फिल्म दैट स्टे ऑन विथ मी एंड आई लाइक सिनेमा दैट स्टेज ऑन फॉर एवर। एंड एनी रीसेंट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? रीसेंट फेमस फेवरेट सॉन्ग यार, मैं कुछ बायस्ड हूँ अपने खुद के म्यूज़िक के लिए, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, हाल ही में हमने एक फिल्म की थी पूर्णा। पूर्णा वॉज अ फिल्म अबाउट अ यंग गर्ल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, 13 साल की लड़की जो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट एवरेस्ट माउंट क्लाइंबर है, उसकी फिल्म हमने की थी, बायोपिक थी वो। उसमें एक गाना था कुछ पर्वत हिलाए, वो आजकल मेरा फेवरेट गाना। सो सर लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा कि अपनी दिल में कोई भी अगर कोई ख्वाहिश हो या कोई थॉट, कोई ड्रीम, उसको ड्रीम ही बन के मत रखो, उसको पूरा करने की कोशिश करो। मेहनत, लगन, ऊपर वाले पे भरोसा और खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो एंड गो रन आफ्टर योर ड्रीम। Don't go for the manzil, raston se ishq karo, manzil ko rehne do, work towards excellence and not towards success. Thank you so much. Thank you yaar, kabhi karenge, chaliye, bahut bahut shukriya, thank you. Wish you all the best Rainbow Festival and wish you all the best Rainbow Festival and wish everyone a very happy Ramadan Mubarak. Sir.